यार ये क्या हुआ है ना कि ये बेचारा ना छोटा सा पप्पी अंदर आ गया था, तो ये होटल में एक है बेवकूफ सा, उसने क्या करा इसके ऊपर नहीं था ठंडा पानी डाल दिया। 11 नंबर की बस से कमेंट करके बताओ ये 11 नंबर की बस कौन सी होती है गाइस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अरुणेंद्र 7 व्लॉग्स। सो ये आप देख सकते हो, सुबह हमारी इतनी सही हुई है, बट द थिंग इज सबके फ़ोन स्विच ऑफ हो गए हैं और किसी के फ़ोन में भी चार्जिंग नहीं है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई, गुल आसमान क्लियर है गया, इसमें मैं खूब जाऊँगी। हाँ ये यहाँ फोटो खिंचवाने जा रहे थे लेकिन इसमें इतनी इतनी बर्फ है, चलो पूरी पलटन हमारी आगे खड़ी है। सो यार ये बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग, और ये पूरा आप देख सकते हो, कल हम आए थे तो मतलब ये इस सीज़न की फर्स्ट इतनी हैवी स्नोफॉल हुई है यहाँ पे पूरा, और ये सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। एंड जो ये वाला व्लॉग है ना, ये मोस्टली ना मतलब व्यूज़ के लिए होगा, मतलब यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए नहीं, मतलब सीनिक व्यूज़ के लिए। अब अच्छा ये देखो, अब ना क्या हुआ है कि एक्चुअली धूप निकल गई है ऊपर, तो हाँ ऊपर तो जो पहाड़ है ना वो पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं, ठीक है, और ये इतना सुंदर लग रहा है। हमारी पलटन इतना कोशिश कर रही है तेज चलने की, पर ये बेचारे हर बार नाकाम हो जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ठंड है बहुत ज्यादा, तो फोन नहीं हो पा रहा है चार्ज, क्योंकि वो बहुत स्लो चार्ज हो रहा है, ड्रेन जल्दी हो रहा है। तो क्या करा मैंने कि जो दस्ताने ना ये बहुत वुलन वाले हैं, इनके अंदर घुसा दिया। अब क्या होगा कि इसमें गर्म रहेगा ना फोन, तो जल्दी चार्ज हो जाएगा। आप लोग बताना कि क्या मैं सही हूँ या गलत। वैसे मैं सही हूँ। यार ये क्या हुआ है ना कि ये बेचारा ना छोटा सा पप्पी अंदर आ गया था, तो ये होटल में एक है बेवकूफ सा, उसने क्या करा इसके ऊपर नहीं था ठंडा पानी डाल दिया। ये भाई इतना रोए। अब इसको हम खिला रहे पाव भाजी। ले बेटा राजकुमार, ये लो, इसको ये डाल दो, ये आराम से खा लेगा। ये ना आराम से खा लेगा इसके ऊपर ना, मतलब बिल्कुल ठंडा पानी डाल दिया। और ये भाई वहां से कहाँ पे, अभी भी कहाँ पर है ये, इसकी पैर पे और मसल दो, पैर पे पानी लगा हुआ है इसके। अमिता जी आपकी टोपी में बर्फ गिरी हुई है, साफ कर लो आप। और थोड़ा सा और, हाँ थोड़ी सी और रह गई है बस, पोछो मत, गिराओ उसको साइड में। हाँ बस हो गया, लास्ट पीस है। हाँ हो गया। अब मिलेगी ना आगे तो मैं बता दूंगा। जब से शादी हुई है ना तब से मैंने टीवी पे कार्टून देखना छोड़ दिया, पता आपको, सुन रहे हो, कार्टून नेटवर्क को पोगो सर ने अर्धांगिनी के डर से छोड़ दिया माल। कौन सा वाला माल पता नहीं। सर नहीं डरते, सर मेरे को डरा के रखते हैं। बताओ सुबह सुबह कोई झूठ बोलता है नहीं, यहाँ शर्म ने अभी आत्महत्या की आपकी ये बात सुन के। अगर बच्चे बोल देना कि मैम डरा के रखती है आपको तो फिर क्या है? अच्छा बच्चों बताओ, क्या मैम डरा के रखती है? सुबह डर रहे थे ना, अगले 7 जन्म तक कैसे बॉस चाहिए हमें? अगले 7 जन्म तक शूट करना। क्या बोलिए थे? और जो हम डांट खाते हैं ना अपने कर्मों से खाते हैं, और 2 मिनट बाद पता भी नहीं चलता है कि हम लोग डांट भी खाए हैं, और उसके बाद मना भी लेते हैं, मोमोज आ जाता है। मैम मनाने आते हैं? अरे मुझे तो नहीं आते, डांट के पूछती है। कोई बात नहीं होता रहता है। मैम ये बर्फ आ गई आप, उन्होंने बर्फ उछाली ना, साफ करो आप, भी करो थोड़ा साफ करो ना। हाँ हाँ अब हो गया। चलो अनीता मैम की ना एक्चुअली क्या है, बार बार बर्फ गिर जा रही है, ऊपर से साफ है वैसे आसमान। वही तो बता रही हूँ, कल रात को क्या हुआ था, मैंने वहाँ से आते आते अरुण को बोला कि ब्राउनी और आइसक्रीम खाते हैं, जब तुम लोग उधर थे जो उसके साथ में था, तो हमने कहा भैया ब्राउनी है, वो कहता माल वाली ब्राउनी। हम लोग अब माल रोड पे ना ट्राई कर रहे हैं आइसक्रीम, सारे के सारे बच्चे पता है यहाँ भी शॉर्ट्स डाल रखे हैं लोगों, यहाँ कुल्फी जम रही है ठंड से, मतलब वहां से ले रखी थी हम लोग। खैर यार यहाँ पे ना सारी बर्फ जम गई है, तो जो हमारी ट्रैवलर है ना वो वोल्वो बस स्टैंड खड़ी है, तो जहाँ पे हमारा
हॉस्टल था, तो वहाँ से वोल्वो बस स्टैंड करीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग 3 किलोमीटर पैदल चल के आ चुके हैं ऐसी स्नो में और ऐसी वाली में भी, कहाँ गई, हाँ ऐसी वाली में भी। बट अभी हमारा 1 किलोमीटर और बचा है, तो हम धीरे 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 करके चल रहे हैं। बट आज का प्रेडिक्शन है 1 बजे के बाद, अभी बज रहे हैं शायद 12:30, 1 बजे के बाद स्नो का फिर से प्रेडिक्शन है, तो आज फिर हैवी स्नोफॉल होने वाली है। वो भैंस क्यों, तो ये आप देख सकते हो बैकग्राउंड में। भाई मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, ठंड हमें ज़्यादा लग रही है या उन्हें कम लग रही है। और 4 किलोमीटर चलने के बाद टाइम कितना हो रहा है, 1 बजे। कब के चल रहे हैं हम, 10:30 बजे के चल रहे हैं। 1 बजे चलने के बाद ये व्यू दिखा, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं इस चौराहे पे। यहाँ पे भैया शायद वो आ गए ट्रेवलर लेके, देखो वो आ गया, वो आ गया। ये है हमारा बस, ये है हमारा बस गाइस। मेरी बात सुनो, जैसे ही सीट करेगा चौराहा बस चढ़ जाना, सेटल बाद में होना, भर जाना फटाफट। मतलब हम लोग आए वैसे अभी भी 4 किलोमीटर बस से हैं, है ना, 11 नंबर की बस से। कमेंट करके बताओ ये 11 नंबर की बस कौन सी होती है गाइस, क्या लगता है कौन सी होती है 11 नंबर की। हम लोग तो चरण सिंह के कार से आए हैं, चरण सिंह के कार से। अच्छा, ये चरण सिंह के कार से आए हैं। ऑनर का नाम है भाई, पता नहीं वो नया कह रही है। कुछ लोग 4 पैरों पे भी आए हैं, तो अभी हमारी वो आ रही है, उसका वेट कर। और ये फाइनली आ गए हैं भैया ट्रैवलर लेके, और सारे गाड़ी में पैक कर दिया। मूव कह दियो लेके जाते वैसे पैक कर। ये देखो पूरा पानी हो चुका है फ्रीज, और अब हम जा रहे हैं जन्नत में। बाहर देखो इस तरफ सब, ये सारे अपने अपने ड्रेसेस यहाँ पे ले रहे हैं, हमने भी ले लिए। अब वहाँ पे शूज ले रहे हैं, फिर फटाफट से ये सारी ड्रेसेस वगैरह पहन के हम लोग जाएंगे ऊपर बर्फ में, ठीक है। और ये इनकी फट गई है यहाँ पे फटी हुई गाइस, जैसे इन्होंने पहनी इनकी इतनी बड़ी फट गई है। यहाँ से पर बहुत ट्रैफिक है, और 4 किलोमीटर ही जाना है, बट ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा लग जाएगा लगभग। इसी मेरे यारा बादल बादल रखना, जाना नहीं जाना नहीं। एंड ये हमारे हो गए हैं 4x4 हमने बुक, क्योंकि ट्रैवलर यहाँ से आगे जा नहीं रही है, तो हम सोलांग वैली के लिए अब 4x4 में जा रहे हैं। बस ये जो ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है यहीं तक अलाउ किया है, यहाँ पे लगा दी चेक पोस्ट। मुंह से निकालो एक बार, हितेश हुर्रे नहीं हुर्रे बोलो, ऐसे नहीं हुर्रे। तो आज ये भैया हमें लेके जा रहे हैं हम सोलांग वैली 4x4 में। एक यहाँ पे आधी पलटन यहाँ पे बिठाई, आधी वहाँ पे। और ये हम लोग आ गए हैं सोलांग गांव में। पूरी टीम कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया। और ये यहाँ का व्यू पूरा, तो आप लोग देख के समझ सकते हैं। और ओला वो चला गया, ये ऊपर टॉप पॉइंट है जहाँ से ये पैराग्लाइडिंग करवा रहे हैं। और ये तो एक्चुअली गाइस हो ये रहा है कि सर को टॉयलेट जाना है और ड्रेस ऐसा, जहाँ पे बहुत सारी स्नो होगी वहाँ पे खेलेंगे। ये पूरी पलटा नहीं है, देखो क्या है, ये क्या है, ये बर्फ है। और यार ये ना अभी स्नो में खेल रहे थे और किसी ने मारा और क्या नाम है आंख में लग गई बर्फ, और भाई को यार काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि यार ये जो बर्फ है ना इसे खेलो कमर से नीचे मारो, मुंह पे मत मारो, क्योंकि आंख में और कान में चली गई ना दिक्कत दे देगी। आपने भी गोवा में रेत मारी थी मैम की आंख में, मत याद दिला तू कलेश करवाएगी भी। पुरानी बातों पे मिट्टी डालते जाओ, बर्फ नहीं मिट्टी भाई। देखो ऐसा है कोई मुंह पे नहीं मारेगा, क्योंकि ऐसे किसी ने गोवा में किसी की आंख में मार दी थी मिट्टी, आंख में काफी दिक्कत हुई थी।